ये है पृथ्वी, नकारा, आलसी, बेरोजगार। इस कारण अक्सर इनके इनके पिता से झगड़ा ही होता रहता है। पर इनके अंदर एक खूबी है और एक कमजोरी, आइए देखते हैं। बापू इतना बढ़िया सपना देख रहे, 2 मिनट पर तू ऊपर आ गया, उठाओ। 12 बजे को, 12 बजे सोई ही नहीं। अब इतने के 12 बजे सो रही है। उठ रहे बस 2 मिनट दियो बापू, बस उठो। अरे यार बापू उठ रहे, उठ जाओ। उठ रहे, उठो। चाय बन गई? चाय बनी रही, 1 घंटा हुई को। हाँ जी, जाओ। सवेरे सवेरे कान खोलते, बुढ़ा निपटता भी नहीं है। अरे यार, मेरे पास तो रुपए भी नहीं बचे, जेब भी खाली हो चुकी है। आइडिया। अरे भाई 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 भाई, ए भाई भाई, क्या हुआ भाई? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया भाई। कहाँ पे? भाई ये पीछे 500 रुपए दे दो बस। अरे भैया दे दो बस, 500 रुपए दे दो, हम उसका इलाज करा लेंगे। पहले वाले 1500 ले गए थे वो। अरे मिला के दे दी भैया, आपको यकीन नहीं होगा? पक्का पक्का दे, पक्का। चलो एक बार देख लेते हैं। अरे हम ले जाए ना, हम ले जाए, चिंता मत करो। चलो दे जाना। हाँ हाँ, पक्का पक्का, ठीक है। लो चलो, धन्यवाद। अच्छा चूतिया बनाया दुकान वाले को। अरे पृथ्वी भैया, आप हमें जानते हो? हाँ जानता हूँ भैया, मैं कौन हूँ पता है कुछ? हाँ जानता हूँ, तुम पृथ्वी हो, तुम्हारा नाम पृथ्वी है। लगता है ये फिर से भूल गया है। जो मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे वो कब दोगे हमारे? हमने भी आपसे रुपए लिए। हाँ तुम ले गए थे हमसे। भैया देखो यार, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, सच में हमने 500 रुपए लिए। हाँ तुम ही ने लिए थे, अब मैं थोड़ी ना भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। देखा आपने कैसे ये झूठ बोलने और कहानी बनाने में एक्सपर्ट हैं, और किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। पर अगर अक्सर इनसे कोई टकरा जाता है तो ये कुछ क्षण के लिए अपनी याददाश्त खो देते हैं, और इसी कमजोरी का लोग फायदा उठा के इन्हें ही चूतिया बना देते हैं। ऐसे कोई कपड़े पहना था अपने बच्चे को? इतने सड़े हुए कपड़े, काम का ना धाम का, चल कमाना, जब उसकी बात पहनना। बापू चल, बापू ये अच्छा नहीं किया बापू। बाहर जब कमाना अच्छी तरह अपने आप खरीद के कपड़े पहन के आज मैं कमा के दिखाऊंगा। मोनिस, हाँ यार बहुत तेज प्यास लग रही है, थोड़ा जाके यहाँ उस नल से पानी ले आ। ठीक है यार। 1 घंटा हो गया, इतनी देर से अभी तुम्हें कोई न्यूज मिला ही नहीं यार। कोई न्यूज बताओ यार। न्यूज चाहिए? हाँ बताओ। ये हैं गोपाल, इस गैंग के लीडर। प्लानिंग बनाने में इतने एक्सपर्ट कि इनसे बेस्ट प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। पर आज तक 50 चोरियां की हैं पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं रही। अपनी कमियों के कारण ये अक्सर पकड़े जाते हैं। ये पेपर पढ़ते हुए शख्स का नाम है प्रखर। गैंग वाले इसे फर्राटा कहते हैं, क्योंकि दौड़ने में इतना माहिर है ना कि आसानी से पुलिस वालों के हाथ नहीं आता। पर अपनी एक कमजोरी के कारण ना ये हवालात की हवा खा चुका है। ये हैं प्रिंस। इनकी उंगलियां अक्सर इनके मोबाइल स्क्रीन पर ही सबसे ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ये एक हैकर हैं। आज तक कोई भी ऐसा ताला नहीं है जो उन्होंने हैक करके तोड़ा ना हो। इस गैंग के त्रुप के हैं ये, पर अपनी एक गलती के कारण ये भी मात खा जाते हैं। ये लॉकडाउन भी यार बड़ा अजीब लग गया यार, इसके चक्कर में साले जो रुपए थे वो भी खत्म हो गए। अब की तो बिल्कुल यार, साली जेब भी फट गई। तो कुछ पैसे का इंतजाम करो बस, इस बार सोने चांदी की दुकान में हाथ मारा जाए। आइडिया तो सही है, एक यहाँ मार्केट में दुकान है। हाँ? आज मार्केट भी बंद है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए, वैसे भी लॉकडाउन में बर्बाद हो चुके हैं। चलो कुछ प्लान बनाओ। प्लान क्या? चलो पहले दुकान दिखाते हैं तुम लोगों को। आज मार्केट बंद है और आज ही चोरी हो जानी चाहिए। हाँ क्योंकि सही बात है, रुपए भी बहुत कमी बचे हैं, एक नाती बराबर है। आज त्यौहार भी है लोगों का, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बिल्कुल शांति है, आज काम कर लेते हैं। सही है, चलो दिखाते हैं तुम्हें दुकान। चलो भाई। आप ये है दुकान, और आज शांति है बिल्कुल, आज एक काम कर लो बस। इसमें बड़ी हाई सिक्योरिटी है, ये बंदा इसी काम के लिए है, कितनी भी हाई सिक्योरिटी हो इसका काम है यही है। इसे मैं खोल दूंगा लेकिन तुम लोगों को शांत रहना पड़ेगा। चलिए खोलिए।
और बॉस ताला खुल गया, फ्रेंड्स ने करके दिखा दिया। तभी एक और ताला है, एक और है, एक और है इसके अंदर, एक और है इसके अंदर, एक और है। हाँ इसके अंदर एक और है। वो कैसे खुलेगा? वो भी इसी से खुलेगा, इससे। हाँ इसी से। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि अगर तीन बार पासवर्ड गलत होता है तो आवाज आने लगेगी, बहुत तेज आवाज। और आवाज हुई नहीं तो पुलिस तुरंत आ जाएगी और हम लोगों को पकड़ लेगी। संभाल के करना। हाँ तो इसलिए शांत रहना और ज्यादा शोर मत करना, ठीक है? ठीक है करो। यार ये तो गलत हो गया पहला। चलो अभी हम लोगों के पास दो है, बस शांत रहो। अरे एक और गलत हो गया। एक बार स्कूल में जबरदस्ती गाना गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। मैंने भी राष्ट्रगान गाकर सबको खड़ा कर दिया। क्या ये जोक? सही होने वाला था यार, तुम्हारी वजह से गलत हो गया यार। क्या जोक लगा के रखा है? जोक पूरे दिन, जोक जोक जोक। लोग अब पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी हम लोगों? हट यार, ये क्या बना के रखा है? अभी भी जोक, अब पुलिस आने वाली है यार। क्या अभी यहाँ पे गलत हो गया है? कितना बढ़िया, वो आ गए पुलिस। देखा आपने, गोपाल अक्सर चोरियों में अपनी जोक सुनाने और हंसने की आदत की वजह से पकड़े जाते हैं। वहीं प्रिंस अपने गुस्से पे आपा खो देते हैं और इस कारण पकड़े जाते हैं। और प्रखर अपनी देशभक्ति के कारण अक्सर पुलिस वालों के हाथ लग जाते हैं। इन तीनों की यही कमियां इनकी आज तक कोई भी चोरी को सफल नहीं बना पाई है। ये देखो, एक साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई है। कहाँ पे? जंगलों में, सुंदरबन जंगल में। सुंदरबन जंगल में, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अच्छा? हाँ करोड़ों में। एक आइडिया है, इस टाइम मशीन को आज रातों रात चुरा लेते हैं। रातों रात चोरी थोड़ी ना हो पाएगी। कोशिश करेंगे, अमीर बन जाएंगे एक ही रात में। हाई सिक्योरिटी पर है भैया, बहुत हाई सिक्योरिटी पर रखते हैं। कोशिश करते हैं, बहुत खतरा है भाई। चलो एक बार कोशिश करते हैं। हमारा काम क्या है, खतरे से ही तो खेल रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग चोरी करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को एक बंदा चाहिए जो इन कामों में माहिर हो। वो भी ढूंढ लेते हैं। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा हम लोगों को? वो भी ढूंढ लेंगे यार, मिल ही जाएगा। भैया आपको चोर चाहिए ना? मुझ जैसा चोर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ये जो प्लानिंग कर रहे हो ना आप, बाएं हाथ का खेल है मेरे। हम तुम्हें जानते नहीं तो तुम पे भरोसा कैसे करें? अरे भरोसा करके देखो भाई, ये चोरी बहुत बड़ी है और मुझ जैसा एक्सपर्ट इंसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अच्छा? अरे भैया रंगा बिल्लक जानते हो? खूब जानता हूँ, यहाँ से भाग गया वो। अरे उसे बैंक की डकैती हमने सिखाई, उसे हमने ही बोला था यहाँ से चले जाओ। यहाँ की जितनी सारी बैंक है ना, सब हमने सफाया करी है। इतने बड़े बदमाश हो, आज तक 20 चोरियां करी है सबकी सब। यूं चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ खासियत तो होनी चाहिए कि हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करें। लेकिन ये हीरो पैसों की थोड़ी चोरी है, ये टाइम मशीन की चोरी है। टाइम मशीन? भैया यकीन करो, जिसकी यहाँ चोरी करने जाता हूँ उसे यूं बेवकूफ बनाता हूँ ना, उसे खुद नहीं पता चलता उसके सामने से क्या चोरी हो गया है। लेकिन यहाँ किसी आदमी को नहीं, मशीनों को चूतिया बनाना है। बैंक का लॉकर हो चाहे कोई भी तिजोरी हो, आज तक मैं हर तिजोरी को देख के बता देता हूँ उसके अंदर क्या है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, बाकी आप जानो। पूरा फोकस तुम्हें ही करना है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पैर धो लो। बॉस जी, मैंने पता किया है। हाँ बताओ क्या किया? वो टाइम मशीन बहुत ही हाईली सिक्योरिटी में रखी गई है। अच्छा, चिंता मत करो तुम, उसे मैं खोल दूंगा। उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि उसको पाने के लिए हमें जंगल, यहाँ तक कि नदी और हो सकता है हमें रेगिस्तान तक पार करना पड़े। उसकी टेंशन मत लो तुम, वो सारा पार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस ये सोचो वो मिलेगी कैसे, जैसे भी मिले उसे पाना है हम लोगों को। वो तो बहुत वहाँ चल के ही पता चलेगा। तो चलो फिर चलते हैं। चलो फिर चलो चलो।
ठीक है। हेलो भाई, मैं तो रेडी हो गया, बाकी सब कहाँ है? रेडी हो गए? वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। अरे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना वीडियो का बेस्ट पार्ट जो भी हो ना वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कौन करेगा? यही लोग करेंगे, यही करेंगे ना, और घंटा दबाना ना भूले बिल्कुल, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये हमारा DOP है, समझ रहे ना, कैमरे के पीछे बंदा यही होता है और इसी ने ही सारा काम किया कैमरे के पीछे। ये हमारा चुटिया वाला बंदा डीओपी चुटिया है। अभी पहली बार ये हमारे वीडियोस में शामिल हुआ है, इसने अपने एक्टिंग का हुनर दिखाया है, तो प्लीज इसके नाते ही हम लोग तो दिखते रहते हैं, तो इसके नाते ही आप लाइक करें वीडियो को। और नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट टू है, वो बहुत जल्दी डाल देंगे हम लोग। कब डाल देंगे? जहां तक ये एक हफ्ता लग जाएगा। काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, और उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं उसकी फोटोज क्लिप, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहे होंगे, तो जाके उसे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। तो और कुछ, लाइक का एम कितना होना चाहिए? कम से कम 500। अभी हम लोग स्टार्टिंग है तो 500 तो लाइक मार ही दो, प्यार दे दो जितना देना हो। और ये भैया है हमारे प्रोड्यूसर कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर के नाम ये यहाँ पे जो भैया बदनाम कर रहे हैं यार, यहाँ पे जितना भी खर्चा लगा है ना, और आप जानते हो कितना खर्चा लगा, कुछ नहीं खर्चा लगा है, बस चाय बिस्किट का खर्चा होता था, वो यही करते थे और बाद में शाम को रुपए लेते थे। वो भी बदनाम कर रहे हैं, पैसा भी अपना लगाओ। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के स्क्रिप्टिंग करी है रात के 9-9 बजे। हाँ यही है, ये भैया का बहुत सपोर्ट रहता है। और इनकी आपको क्या बात अच्छी लगती है वो और कमेंट बताना। बहुत ही कमाल के ये एक्टर है, इन्होंने रोल प्ले करी है, इन्होंने बाप का रोल प्ले किया है, इन्होंने चोर का रोल प्ले किया है, तो बेस्ट रोल इनका कौन सा लगा है? और प्रीवियस करके बताइए, जरूर बताना। हम में से हर किसी ने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इससे ज़्यादा मस्त आने वाली है, उसमें और ज़्यादा वीडियो की आपको क्या बताएं, बोला नहीं जा रहा, मज़ा आने वाली है बस। अरे सेकंड पार्ट की सीन जरूर दिखा देना इनको। जरूर, अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और बस बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।